नमस्कार दोस्तों, चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं ग्रो एप्स के बारे में, कुछ हिडन चार्ज जो लगते हैं उसके बारे में हम चलिए आज डिस्कशन करते हैं और लाइव भी दिखाते हैं आपको कहाँ कितना किस पे चार्ज लगता है। तो चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और जो गाइस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि ऐसे ही जानकारी आप लोग मिस ना कर सकें। तो चलिए अपना ग्रो एप्स खोल लेते हैं हम, ठीक है। ग्रो एप्स खोलने के बाद चलिए मैं अपना इंटरफेस ऐसे दिखा देता हूँ, देख सकते हो। अब चलिए मैं कितना इन्वेस्ट करता हूँ मैं वो भी पहले दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर चलिए पहले म्यूचुअल फंड में दिखाता हूँ मैं, इस पे चलिए डैशबोर्ड में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं कितना अभी देख रहे हैं, टोटल रिटर्न देख रहे हैं यहाँ पर 8338 रुपया यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि इस पर अभी कितना दे रहा है। चूँकि अभी मार्केट डाउन चल रहा है तो थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा, ठीक है। मार्केट अभी डाउन है और ये देखिए यहाँ पर शेयर मार्केट में देख सकते हैं अभी देखिए दो ऐसे मैंने ऐसे बाई किया हूँ, SBI का और एक हिमांद्री स्पेशल का 15 मैंने शेयर खरीदा हूँ। अब देखिए इस पर कितना, देखिए इंट्राडे पे कितना चार्ज लगता है और आपका जो डिलीवरी चार्ज है इस पर कितना लगता है। देखिए सबसे बड़ी बात है आपका ग्रो में यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसमें कोई आपका मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, ठीक। इसमें आपका अकाउंट खोलने का कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल आपका AMC जो चार्ज है अभी जीरो है, ठीक है, कोई अभी चार्ज नहीं है। अब आगे चल के क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अभी कोई ग्रो चार्ज नहीं लेता है। आपका जो जैसे शेयर खरीदे हो, ठीक है, जो कंपनी से शेयर खरीदे हो इक्विटी इंट्राडे, आप रुकिए मैं पूरा डिटेल आपको बता देता हूँ, प्राइजिंग में चल कर मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे अब ऐसे बताऊँगा तो इक्विटी इंट्राडे जैसे अभी देखिए सेल करेंगे तो इसमें यदि आप दो शेयर सेल करते हैं, यहाँ पर देखिए एक शेयर एक भी आप यहाँ पर सेल करेंगे तो आपको 13 रुपया 15 पैसा, ठीक है, 13 रुपया 50 पैसा ऐसा समथिंग है DP चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि नहीं, जैसे एक भी शेयर आप बेचते हो, ठीक है, एक भी शेयर यहाँ पर बेच रहे हो, जैसे 15 शेयर मैंने खरीदा, इसमें से मैं यदि दो शेयर बेच रहा हूँ तब पर भी मुझे 13 रुपया 50 पैसा ऐसे समथिंग DP चार्ज देना पड़ेगा। मैं पूरा डिटेल दिखा देता हूँ आपको, चलिए बैक करके आपको पूरा डिटेल दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये सब हिडन चार्ज है, आपको पहले ये सब जानना ज़रूरी है यदि ग्रो में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो पहले ये सब जानिए। यहाँ पर चलिए मैं प्राइजिंग में, देखिए नीचे में प्राइजिंग है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे में प्राइजिंग कहीं भी आपको दिखे इस पर क्लिक करके आपको पहले डिटेल देख लेना है, ठीक है। जैसे इंट्राडे में आप उसी दिन कोई भी शेयर खरीद रहे हो उसी दिन बेच रहे हो तो वो इंट्राडे इक्विटी में आता है, ठीक है। अब एक आता है आपका डिलीवरी, इक्विटी डिलीवरी में वो आपका आता है जिसमें आप किसी भी कंपनी का शेयर जिस डेट में ख़रीदते हो उसी डेट में न बेच के अगले डेट में बेचते हो तो वो आपका इक्विटी डिलीवरी में आता है। एक दिन से ज़्यादा हो गया तो, या एक दिन से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन साल भर कितना भी दिन हो गया, एक से दिन से ज़्यादा हो रहा है तो आपका डिलीवरी इक्विटी में आता है। अब देखिए यहाँ पर आपका इंट्राडे डिलीवरी, इसमें पूरा देखिए सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स देख सकते हैं 0.025% लग रहा है, डिलीवरी आपका देख रहे हैं 0.1, या बाई करें या सेल करें, इसमें आप इंट्राडे में सेल करते हैं तब आपका लगता है, बाई करने में नहीं लगता है। तो ये सब पूरा डिटेल आप लोग जाके प्राइसिंग में देख लीजिएगा, इसी में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ 13 रुपया लग रहा है, ठीक है, वो भी आपको पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। ये आपका बहुत कम है, 0.003% देख रहे हैं स्टाम्प ड्यूटी जब बाई करेंगे इंट्राडे में, और यहाँ पर भी बाई करेंगे तो 0.015 डिलीवरी में भी लगेगा, ठीक है, दोनों में देख सकते हैं। नीचे में आप देख पा रहे हैं देखिए DP चार्ज, थोड़ा आप नीचे में देखिए आप देख पा रहे हो 13 रुपया 50 पैसा पर कंपनी लग रहा है, तो नीचे में देख पा रहे हो। चलिए पहले इस पर बात कर लेते हैं, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज, ये देख रहे हो बाई करो चाहे सेल करो आपका लग रहा है, देख रहे हो 0.00345। अब देखिए यहाँ पर DP चार्ज देख सकते हैं आप लोग, तो DP चार्ज में देख रहे हैं या बाई करें या सेल करें आपका 0 रुपया लगेगा इंट्राडे में, देख सकते हो। और बाकी आप देख सकते हो जब आप डिलीवरी में हो जाता है, ठीक है, ये देखिए एक दिन से ज़्यादा हो जाता है तो आपको 13 रुपया 50 पैसा पर कंपनी देना पड़ेगा, देख सकते हो। एक कंपनी में जैसे मान लीजिए एक शेयर बेच रहे हो, दो शेयर आपको 13 रुपया 50 पैसा एक भी शेयर, तो इसीलिए कम से कम आपको 10-15 शेयर खरीदो, ठीक है, तभी आपको उसमें फ़ायदा है, ठीक है, एक दो शेयर मत खरीदो। अब चलिए ये देख सकते हो आपको पूरा डिटेल आपने देख लिया। अब नीचे देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन देख सकते हो, इसमें देखिए फ्यूचर में आप
जो देख सकते हो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स 0.01%, ठीक है। ऑप्शन में भी देख सकते हो 0.05, ये सब पूरा डिटेल देख लीजिए आप लोग। पेनाल्टी भी देना पड़ता है, देख रहे हो पेनाल्टी, ये देख सकते हो ₹50 पर पोजीशन, जैसा पोजीशन आपका रहता है, ठीक है। यदि ग्रो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन सब बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और 1 लाख से नीचे आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप लोग के लिए बहुत बेटर है ये। आपका 5 लाख 6 लाख से ऊपर आप लोग इन्वेस्ट करो तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है, टैक्स ज़्यादा है। बाकी आपको 1 लाख से नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जाइए आप लोग, यदि नए कोई व्यूअर हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कीजिए, तो ₹100 आपको भी मिल जाएगा, मेरे को भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए इन्वेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा है क्योंकि ये लेटेस्ट है ग्रो एप्स। तो जहाँ कहीं ना समझ में लो कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को हम समाप्त करते हैं।